students, a very good morning, good afternoon, good evening to all. Now today's topic is superposition theorem. Superposition theorem से भी हम करंट को फाइंड आउट करेंगे across any resistance, right? तो मैं superposition theorem को स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊंगा करंट डिवाइडर रूल. ओके, करंट डिवाइडर रूल के अंदर हम करते क्या है, हर ब्रांच का करंट फाइंड आउट करते हैं. ओके, मैंने एक ये सर्किट लिया आपको समझाने के लिए. बेसिकली R1, R2 एंड R3, राइट, I1, I2 एंड I3. फर्स्ट फाइंड आउट दिस I1. हाउ टू फाइंड दिस I1? V बाय R इक्विवेलेंट. V इज लेट्स सपोज 20 वोल्ट. तो मैंने क्या किया, 20 वोल्ट ले लिया. R इक्विवेलेंट क्या होगा, दीज टू आर इन पैरेलल. पैरेलल में क्यों, क्योंकि करंट डिवाइड हो रहा है, राइट. आई टू एंड आर थ्री, सॉरी आर टू एंड आर थ्री, दिस टू आर इन पैरेलल, सो लाइक दैट. एंड दिस आर वन इज, आर वन इज इन सीरीज विद दिस. तो हम क्या करेंगे, आई वन को फाइंड आउट कर लेंगे. लेट इट इज 2 एम्पियर. ओके, नाउ कैलकुलेट दिस आई टू एंड आई थ्री. आई टू इज टोटल करंट into opposite branch of resistance. Okay, divide by total resistance. Right? तो क्या होगा इसके अंदर, total current. Total current is I1. इसका मतलब यह है किसका total current? इन दोनों का total current कौन है, वो I1 है. Into opposite branch. Opposite branch किसकी, I2 जब आप यहां निकाल रहे हैं, इसके opposite में जो branch है वो कौन सी है, दिस वन, उसका रेजिस्टेंस कौन सा है, R3. तो हमने रेजिस्टेंस को कंसीडर करना है, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस. टोटल रेजिस्टेंस कौन से, ये. ओके, तो ये था करंट डिवाइडर रूल. तो मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है. मैं इसके अंदर सारी चीजें कवर कर रहा हूं. करंट सोर्स ले रहा हूं एक, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है, यहां पर भी एक रेजिस्टेंस है और इधर भी एक करंट सोर्स है. ओके, और मैं यहां पर एक रेजिस्टेंस प्लस एक वोल्टेज, ओके, 6 वोल्ट की कंसीडर कर रहा हूं. ओके, ये हमने कंसीडर कर लिया सर्किट. इसकी जो वैल्यूज है 1 ओम, 3 ओम एंड दिस वन इज 4 एम, लेट्स सपोज 6 एम्पियर. I will take 6 ampere, right? And this one is 2 ohm. Now, I will take 4 ampere. Okay. Now, step number 1. Step number 1, के अंदर आपने क्या करना है? To flow current. Okay. क्योंकि first step हमारा मेन होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा कि करंट के बारे में पता चलेगा हर ब्रांच के अंदर. ओके, 6 एम्पीयर, सॉरी 6 एम्पीयर करंट ये आ रहा है हमारे पास इस वोल्टेज नोड से, ठीक है, और ये हमारे पास 4 एम्पियर है. यहां से भी एक करंट फ्लो हुआ, मैं इसको I1 कंसीडर कर लेता हूं, और यहां पर मेरा I2 हो गया. ओके, और यहां मैं I3 कंसीडर कर लेता हूं, राइट. ऊपर से मेरे पास 4 एम्पियर आ रहा है, ये एक वोल्टेज नोड V1, एक 1 हो गई, और एक ये मेरी सेकंड हो गई नोड, राइट. तो स्टेप नंबर क्या होता है, स्टेप नंबर 2, इसके अंदर हमें क्या करना होता है, एक सोर्स को, ठीक है, कंसीडर करना होता है एट ए टाइम. अगर हमारे पास करंट सोर्स है वो हमारी ओपन सर्किट हो जाती है, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाती है. कैसे, मैं आपको शो करता हूं. अब मैं क्या करता हूं, मैं इस करंट सोर्स को लेता हूं, दैट इज योर 6 एम्पीयर करंट. ओके, तो मैंने क्या किया कि
कंसीडर कर लिया, ठीक है, ये हमारा 600 करंट। अब मेरे को नोटेशन जो लेनी है, जो इस ब्रांच की नोटेशन है, दैट इज I3, तो मैं इसको डैश की फॉर्म में ले जाऊंगा I3 डैश, और यहां पर क्या है मेरे पास I2, तो I2 डैश, और इधर भी क्या हो गया I1 डैश। इसका मतलब ये हो गया जो I1 डैश है वो I2 डैश के इक्वल हो गया, राइट। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, I2 डैश सबसे पहले निकालूंगा बाय द हेल्प ऑफ करंट डिवाइडर। ओके, इनका जो टोटल करंट है वो कौन है, 6 एम्पियर इनटू अपोजिट ब्रांच ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज 1 ओम, डिवाइड बाय टोटल 1 + 3 + 2, 6 × 6 दैट इज 1 एम्पियर। ओके, I2 डैश अगर 1 एम्पियर है, इट मींस I1 डैश इज आल्सो 1 एम्पियर करंट। ओके, नाउ कैलकुलेट द I3 डैश इज आल्सो कैलकुलेट बाय द हेल्प ऑफ करंट डिवाइडर रूल, 6 × अपोजिट ब्रांच ऑफ रेजिस्टेंस, इसके अंदर रेजिस्टेंस अपोजिट ब्रांच में क्या होगा, 3 और 2, दीज टू आर इन सीरीज, टेक 3 + 2, 3 + 2 + 1, 6 × 5/6, दिस इज 5 एम्पियर। नाउ अब हुआ क्या, ये जो I2 डैश और I3 डैश, मतलब 1 एम्पियर और 5 एम्पियर, दोनों का क्लब करके क्या बना, 6 एम्पियर। तो 6 एम्पियर करंट ही हमारा इनकमिंग करंट था, राइट। नाउ इन द केस ऑफ स्टेप नंबर 3, टेक अनदर सोर्स। ओके, अनदर सोर्स मैं क्या करता हूं, 4 एम्पियर ले लेता हूं, और वो शॉर्ट हो गया हमारे पास, राइट। शॉर्ट होने से क्या हुआ कि ये जो 2 ओम रेजिस्टेंस था और 4 एम्पियर करंट हमारा यहां और यहां डिवाइड हो जाएगा। इस ब्रांच में जो करंट था वो था I1, तो मैं यहां पर क्या ले लूंगा, I1 डबल डैश, और यहां पर क्या है I2, तो मैं यहां ले लूंगा I2 डबल डैश। अब ये जो I1 डबल डैश करंट है ये सीरीज में ही जा रहा है, ठीक है, इस 1 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस, और यहां पर जो करंट था वो था I3, इट मींस मैं इसको ले लूंगा I3 डबल डैश। तो मैंने यहां कहा कि जो मेरा I1 डबल डैश है I3 डबल डैश के इक्वल हो गया। ओके, दीज टू करंट्स आर इक्वल। नाउ अगेन अप्लाई करंट डिवाइडर रूल। करंट डिवाइडर रूल किसके लिए, हमने इन दोनों ब्रांचेस के लिए लगाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, I1 डबल डैश, इसका टोटल करंट कौन है, 4 एम्पियर इनटू अपोजिट ब्रांच ऑफ रेजिस्टेंस, दिस रेजिस्टेंस इज 3 ओम, ओके, डिवाइड बाय 3 + 2 + 1। नाउ सॉल्व दिस, 4 × 3/6, लेट्स गो लाइक दैट। ओके, ये हम ऐसे कंसिडर कर देते हैं, तो ये हो गया, ये आ गया हमारे पास 2 एम्पियर। ओके, नाउ I1 डबल डैश एंड I3 डबल डैश is 2 एम्पियर। नाउ कैलकुलेट I2 डबल डैश, I2 डबल डैश 4 × 4 क्या है हमारे पास, करंट, टोटल करंट है, इनटू अपोजिट ब्रांच, अपोजिट ब्रांच 2 + 1/3 + 2 + 1, 4 × 3/6 अगेन। ओके, नाउ दिस इज अगेन 2 एम्पियर। नाउ अब ये जो 4 एम्पियर करंट था वो किसके इक्वल था, I1 डबल डैश प्लस I2 डबल डैश, है ना। तो ये 2 + 2 ऑलरेडी निकल गया, सेम हो गया हमारे पास, मेरे पास ये वैल्यूज आ गई। इन द केस ऑफ स्टेप नंबर 4, टेक अनदर सोर्स। अब कौन सा बचा हमारे पास, वोल्टेज सोर्स, सॉरी करंट सोर्स, तो हमारे पास क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। टेक 3 ओम, 2 ओम एंड दिस वोल्टेज सोर्स, और आप ऐसे भी बना सकते हैं, आपके पास था 6 वोल्ट। इस ब्रांच में जो करंट है वो I1 ट्रिपल डैश हो जाएगा, यहां I1 था तो I1 ट्रिपल डैश हम कंसिडर करेंगे, यहां I2 है तो ये हो जाएगा I2 ट्रिपल डैश, और यहां पर जो करंट है वो I3
ट्रिपल डैश, राइट। अब हुआ क्या कि ये सारे रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में हो गए, एक ही करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि I1 ट्रिपल डैश, I2 ट्रिपल डैश एंड I3 ट्रिपल डैश सभी इक्वल हो गए। सभी इक्वल होने से क्या हुआ, हम एक करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, I1 ट्रिपल डैश V बाय R इक्विवेलेंट, ओके V कितना है 6 वोल्ट, R इक्विवेलेंट 2 प्लस 3 प्लस 1 इट मीन 6 बाय 6 1 एम्पियर, ओके 1 एम्पियर करंट, तीनों क्या हो गए हमारे 1 एम्पियर करंट हो गए, राइट। तो अब मैं आपको फाइंड आउट करके दिखाता हूं कि जो हमने करना था एक्चुअल में, हमने क्या करना था, मैं ऐसा भी कह सकता हूं यहां पर 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैं करंट भी फाइंड आउट। अब हमारे पास तीनों सोर्स से करंट फाइंड आउट हो चुके हैं, अब हमने क्या करना है, इन तीनों को क्लब करना है। इट मींस हमने एक जो हमने स्टेप वन में सर्किट बनाया था उसमें जो हमने करंट शो कर रहे थे उनको फाइंड आउट करना है, ठीक है। I1 करंट की हम बात करते हैं, I1 करंट की जो डायरेक्शन है वो है A टू B, ओके। तो हमने ये देखना है कि A टू B डायरेक्शंस किस किस की हैं, उनको पॉजिटिव लेना है जो सेम डायरेक्शन में, अपोजिट में नेगेटिव। I1 डैश इज दिस वन अपोजिट डायरेक्शन, सो इट इज माइनस I1 डैश। I1 डबल डैश इज ऑल्सो अपोजिट माइनस, ओके। एंड I1 ट्रिपल डैश इज इन सेम डायरेक्शन, सो इट इज पॉजिटिव। I1 डैश की वैल्यू कितनी है, जो हमारी I2 डैश की, दैट इज 1 एम्पियर, इट इज माइनस 1। I1 डबल डैश I3 डबल डैश की 2 एम्पियर, इट इज माइनस 2। एंड I1 ट्रिपल डैश हमारे पास ये है कितनी है 1 एम्पियर, ओके प्लस 1 cancel out, it means minus 2, I1 is minus 2, okay. Now, in the case of I2, the value is B2, not 2, 1, okay. In the case of I2, the value is I2 dash is in opposite direction, it means minus this one is in the same plus, okay fine. Then I2 triple dash is in the same direction, it is I2 that triple dash same, okay. Minus I2 dash 1 ampere. I2 double dash that is 2. I 2 triple dash is 1, 2 plus 1, 3, 3 minus 1 is 2 ampere, okay. Now, we find I3 is downward direction, I3 dash, same direction, opposite, same, I3 triple dash, okay. I3 dash is 5, I3 double dash equal to I1 double dash, it means 2 ampere plus I3 triple dash is 1, so 5 plus 1 is 6, 6 minus 2 is 4 ampere, okay. अगर क्वेश्चन में आता है कि इस 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज बताइए, तो क्या हो जाएगी वोल्टेज, V is equal to I into R. अगर आपके पास वोल्टेज यहां पर चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू I3, I3 की वैल्यू आपने निकाली 4 एम्पियर, तो 1 इंटू 4 दैट इज 4 वोल्ट, ओके। तो वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस इज 4 वोल्ट, ऐसे हम हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज को फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए अपडेट रहिए, प्लीज, थैंक यू सो मच।